निर्बल शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद के आह्वान पर निषाद पार्टी ने सदर सांसद इंजीनियर प्रवीण निषाद के नेतृत्व में आरक्षण की मांग को लेकर स्पोर्ट्स कॉलेज के पास हल्ला बोल कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के बाद निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर निषेधाज्ञा का उल्लंघन कर शहर के लिए कूच किया। इस दौरान प्रशासन ने कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया, लेकिन कार्यकर्ता नहीं माने और शहर में जाने की जिद पर अड़ गए, जिस पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके उन्हें रोकने का प्रयास किया, जिस पर प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हो गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया। जी आपको पता ही है, आज एक निषाद पार्टी है, उन्होंने स्पोर्ट्स स्टेडियम जो कि यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है वहाँ पर अपना कुछ जलसा रखा था और वहाँ पर अपना समारोह था उनका कुछ, और उसमें उनको निषेधाज्ञा थी कि वो वहाँ से शहर में नहीं आएंगे, लेकिन उन्होंने मजिस्ट्रेट और वहाँ पुलिस बल जो उपस्थित था उसके बैरिकेड्स वगैरह को हटाते हुए और उनके साथ धक्का मुक्की करते हुए वो शहर की तरफ आने की कोशिश करी उन्होंने, तो उनको 1.5 से 2 किलोमीटर बाद भी उनको मना किया गया। और आपने देखा कि हमने पानी की बौछार से भी उनको कोशिश किया कि आप मत तितर बितर हो जाएं, लेकिन वो तितर बितर नहीं हुए। उसके बाद हल्का सा बल प्रयोग करते हुए उनको तितर बितर किया गया और इसमें जो भी विधिक कार्रवाई होगी उनके खिलाफ़ की जाएगी, क्योंकि उनके पास कोई भी शासन की ओर से कोई परमिशन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं दी गई थी उनको इस तरह का जुलूस निकालने की। सांसद की गिरफ्तारी हुई सर? नहीं नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं है। सांसद जी को भी हमने यहाँ, सांसद जी जो भी उनके लीडर्स थे यहाँ पर, अब चूँकि आपने देखा काफ़ी अल्ला गुल्ला हो ही जाता है इसमें, तो जो भी उनके लीडर्स थे वो उनको हमने बोला है, उनको हमने बैठा करके अभी हिरासत में लेकर पुलिस लाइन ले जा रहे हैं, तो जो भी उसके आगे विधिक कार्रवाई होगी वो प्रचलित की जाएगी।